मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है, मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं, कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना, 100 में से 96 नंबर ले आते हैं, अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से 96 नंबर, जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूं, सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया, मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी, मैंने बचपन में पढ़ा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रटा, रट रट के दिमाग खराब किया, घंटों घंटों बर्बाद किए, किलो किलो कागज मैंने लिख लिख के खराब किए, और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या करूं मुझे मालूम ही नहीं। मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, मेरी जिंदगी में तो काम नहीं आया। तो मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं, यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया, ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में, जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों। बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं इसका। मान लीजिए मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, करूं क्या, मालूम है मुझे क्या करूं इसका। मैं सब्जी खरीदने जाता हूं बाजार में, सब्जी वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या मुझे। फालतू में रटा रटा के मेरा दिमाग खराब कर दिया, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन। और मुझे इतना दुख होता है, तकलीफ होती है कि कोई मुझे ये पूछना शुरू करे कि तुम्हारे परिवार का पहला राष्ट्रपति कौन, मुझे नहीं मालूम। मेरे परिवार के राष्ट्रपति से मतलब मेरे दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा, कहीं से हमारा कुल शुरू हुआ ना, तो मेरे कुल का पति माने मेरा पहला पिता वो कौन, नहीं मालूम। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मालूम है। और मुझे तो इतना दुख होता है कि अमेरिका का पहला ही राष्ट्रपति नहीं मालूम, 250 राष्ट्रपति मालूम है मुझे उनके, और मेरे कुल के 250 आदमी के नाम नहीं मालूम मुझे। मेरे पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी का, उसके आगे बढ़ता हूं तो सब ब्लैंक हो जाता है, याद ही नहीं मुझे। क्या करना है ऐसी शिक्षा से, काम की क्या है ये। बचपन में मुझको पढ़ाया कनाडा का क्लाइमेट कैसा, कनाडा का, भारत का नहीं, कनाडा का, कनाडा की जलवायु क्या है, क्या करूं उसका कनाडा की जलवायु का। मैं तो कभी कनाडा जाने वाला नहीं, कनाडा मेरे घर में कभी आने वाला नहीं, उसकी जलवायु पढ़ के करना क्या है। मैं शिवपुरी में रहता हूं, मैं भोपाल में ग्वालियर में रहता हूं, मुझे शिवपुरी की जलवायु मालूम है तो कुछ काम आने वाली है, कनाडा की जलवायु क्या काम आने वाली है। कभी जिंदगी में मौका मिला कनाडा जाने का, जिसका कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, तब जाके वो बात कभी काम आएगी, उसके लिए रट रट के पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर दिया घंटों घंटों। ऐसा फालतू इतिहास पढ़ाया, अकबर बड़ा महान था, होगा मैं क्या करूं, अकबर महान था ठीक है, मैं क्या करूं उसका, मेरी जिंदगी में उससे क्या फायदा होने वाला है अकबर की महानता से। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं
कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं हमारी शिक्षा में वो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। आप ईमानदारी से अपने बारे में एक दिन ये करना, मेरी बात है इसलिए नहीं, आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में याद करो उसमें से कितना आपके काम आया। शायद आप 100 का नंबर निकालेंगे तो 5 भी काम नहीं आया, 5% भी काम नहीं आया। जो काम नहीं आया पढ़ा क्यों, फिर रटा क्यों उसको। और आप ऐसे सोचो, दूसरा उल्टा सोचो कि हमने जितना पढ़ा वो कितना हमें याद है। याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है, बाकी कचरे को दिमाग निकाल के ऐसे ही फेंक देता है। जो याद ही नहीं रहे और काम नहीं आए उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों। तो मैंने सोचा कि शिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे ने बच्चों को खत्म कर दिया। कभी कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है, अखबारों में खबर पढ़ता हूं 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? फेल हो गए। बच्चे थोड़ी फेल हुए हैं, परीक्षा की पद्धति फेल हुई है हमारी, बच्चे फेल नहीं हुए। बच्चों के बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े के जैसे हैं, जैसा आप शेप दोगे वैसे हो जाएंगे। हमारे बच्चों को हमारे अध्यापक और परीक्षा वाले शेप नहीं दे पाए, इसलिए परीक्षा पद्धति फेल हुई है, बच्चे फेल नहीं हुए। मुझे तो कई बार ये कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से, समझाया नहीं बच्चों को ठीक से। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है, 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है। कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन, स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था अब सारी दुनिया उस पर PhD करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया, कभी निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था, स्कूल ने निकाल दिया। और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूं 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना डिग्रियों से नहीं तोला जाता, ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज है। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूं, धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है। 9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया बिरला एम्पायर जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है जीवन की तुलना में। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें, दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा पर आधारित होगी, ये अंग्रेजी पर आधारित नहीं होगी। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी, क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को।
अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए, तो मैं अंग्रेजी में पास होकर दिखा सकता हूं। जब कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता, तो हम भारत के विद्यार्थियों से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी में पास हो? और अंग्रेजी भाषा नहीं है पास होने लायक, ये तो भाषा ही रद्दी है। इस भाषा का इतिहास जब मैंने पढ़ा, 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा आई, माने मुश्किल से 1500 साल पुरानी है। हमारी भाषा तो करोड़ों साल पुरानी है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये तो 1500 साल पुरानी है। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। आपको एक उदाहरण देता हूं, अंग्रेजी में एक शब्द है पीयूटी, पुट, बीयूटी, तो पीयूटी पट होना चाहिए, सीयूटी कट, बीयूटी बट, तो पीयूटी पट, अगर पीयूटी पुट तो सीयूटी कुट, बीयूटी बुट, यही होना चाहिए ना। क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। और परम मूर्खता की भाषा ये अंग्रेजी। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, तो यहां पे CH जो है ना का हो गया, ठीक है, तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए, CHOPARA है ना, उसको चोपड़ा क्यों कहते हैं, कोपड़ा कहो, और CHOPARA को चोपड़ा कह रहे हो तो CHEMISTRY को केमिस्ट्री कहो फिर। एक जगह CH का है, एक जगह CHA है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या इनका हिसाब किताब है। मूर्खों की भाषा है ये अंग्रेजी। और इस भाषा की कितनी बड़ी कमजोरी है, अंग्रेजी में एक शब्द है SUN, माने सन, माने सूरज। अब किसी भी अंग्रेज माई के लाल को मेरी चुनौती है कि इसका दूसरा शब्द अंग्रेजी में से निकाल के लाए, SUN का पर्यायवाची है ही नहीं, लाएंगे कहां से। पूरी अंग्रेजी में सन का पर्यायवाची नहीं है, माने दूसरा शब्द नहीं है जो सूर्य को बता सके। अब हम संस्कृत की बात करें, सूर्य एक शब्द है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द है हमारे पास संस्कृत में, अंग्रेजी में एक ही है। एक शब्द है अंग्रेजी में मून, एक ही है चंद्रमा, और हम संस्कृत में 56 शब्द हैं चंद्रमा के लिए। अंग्रेजी का एक शब्द है वॉटर, माने पानी, वो अकेला एक ही है, वो नदी का पानी हो या नाले का, कुएं का हो या तालाब का, सब पानी वॉटर है। और यहां भारत में हर पानी के लिए अलग शब्द है, बारिश का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग, नदी का पानी अलग, तालाब का अलग, सरोवर का अलग, नाले का पानी अलग, कीचड़ का पानी अलग, सब पानी के लिए अलग अलग शब्द है, अंग्रेजी में एक ही है वॉटर। बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। कितने गरीब हैं, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, मौसा का मौसा भी अंकल, कोई शब्द ही नहीं है अंकल के अलावा। और चाची, मामी, मौसी, सब आंटी, कोई दूसरा ही शब्द नहीं है उनके। हम तो मूर्ख लोग इस अंग्रेजी में फंस गए, अकल नहीं हमारी तो मारी गई है। हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ गए ना, अकल उन्हीं की मारी गई है, जो नहीं पढ़े वो बहुत होशियार।